नमस्कार, स्वागत है आपका ब्लू एक्सप्रेस पे। मैं हूँ एकलव्य भटनागर और आज हम बात करेंगे मेरठ जिला थाना किठोर क्षेत्र के माछरा गांव निवासी टिंकू की हत्या के आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। गांव के लोग विरोध करने के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंचे और बताया कि किस प्रकार किठोर पुलिस आरोपियों के साथ मिलकर फैसले पर दबाव बना रही है। मेरा नाम उमेश कुमार जाटव है जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं माछरे का निवासी हूँ जी, थाना की थोड़े जी, जिला मेरठ। आज एसएसपी ऑफिस क्यों आना हुआ? आज एसएसपी ऑफिस लिए आए हैं हम लोग कि रात्रि 27 तारीख को 4 लोगों ने हमारे भाई को गोली मारकर हत्या कर दी है और उसमें पुलिस प्रशासन ने सिर्फ अभी तक एक लोग को ही गिरफ्तार किया है और 3 लोग फरार है, एक को ही गिरफ्तार किया है। तो हम अन्याय चाहते हैं जी, उनको अरेस्ट करे पुलिस प्रशासन और उन 3 लोगों को भी पकड़ कर जेल भेजे जी। तो मतलब थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई? जो एसएसपी ऑफिस आना पड़ा, थाने से कार्रवाई हुई जी। जो 70 साल का बुजुर्ग था उसको ये जेल भेज दिया है और जो 3 लोग और थे उसके साथ उनको बचाने में पुलिस प्रशासन भी बची हुई है कि वो 3 लोग बच जाए जी। मेरा लड़का है टीनू नाम का और माछरा का रहने वाला है। 27 तारीख को रात को 9 बजे मेरा लड़के की हत्या करी है, सीने में गोली मारी है और मेरा लड़का मार के वहाँ गिर दिया है। पुलिस को हम बाद में गए, पहले पुलिस वहाँ पहुँच गई है। पुलिस को हम जब थाने लगे, हमारे हाथों से पुलिस ने हमारी लाश छीन ली, लाश छीन कर नहीं आके और हमको वहाँ से भगा दिया। लड़के से मिले हम, हमने कही हम अपने की लाश नहीं लेंगे, लोग तुम्हें क्या अधिकार है लाश को हम ले जाएंगे? हम तो अपने को कुछ भी करते, हमारी लाश क्यों छीन ली और फिर क्यों नहीं अन्नाव मिला, वे क्यों नहीं पकड़े गए अभी तक? मैं विधवा औरत हूँ,